भारत में मंदी आएगी या नहीं, इस विषय पर देश के बुद्धिजीवियों के बीच अक्सर चर्चाएं चलती रहती हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में तकनीकी तौर पर मंदी दस्तक दे चुकी है। पिछले 2 तिमाहियों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था सिकुड़ी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदी को मापने का पैमाना अमेरिका में क्या है? भारत में तो मंदी को मापने का पैमाना है लोगों की खरीदने की क्षमता, उस पर नजर रखनी होती है। लेकिन अमेरिका में मंदी को मापने के लिए अंडरवेयर और टी शर्ट पर नजर रखनी होगी जनाब? नहीं समझे, हमारा मतलब इनकी बिक्री से है। सुनकर थोड़ा अटपटा जरूर लग सकता है आपको, लेकिन यही सच है। दरअसल अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के पूर्व प्रमुख एलन ग्रीनस्पैन पुरुषों की अंडरवेयर की बिक्री पर काफी नजर रखते हैं। गलत मत समझिए, दरअसल वे मानते थे कि इससे मंदी का अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए आज हम भी अंडरवेयर और टी शर्ट की बिक्री को पैरामीटर मानकर देखते हैं कि भारत के बारे में ये क्या बयां करती हैं। आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। सबसे पहले आपको एलन ग्रीनस्पैन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। एलन ग्रीनस्पैन की गिनती धुरंधर अर्थशास्त्रियों में होती है। वे 1987 से 2006 तक फेडरल रिजर्व के प्रमुख रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के कई राष्ट्रपतियों के साथ काम भी किया है, इसमें रोनाल्ड रेगन, जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश शामिल रहे हैं। एलन ग्रीनस्पैन, इनके पुरुषों के अंडरवेयर में अलग अलग तरह की दिलचस्पी देखी गई है। वे मानते थे कि अंडरवेयर की बिक्री से मंदी के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। उनकी थ्योरी बड़ी सिंपल थी। ग्रीनस्पैन के अनुसार अंडरवेयर की बिक्री साल के पूरे समय रहती है। ऐसा समय कुछ ही बार होता है जब इसमें गिरावट देखी जाती हो। यही वे समय होता है जब पुरुष इतना फाइनेंशियली दबाव महसूस करता है कि वे अपने अंडरवेयर्स को भी नहीं बदलता। उन्हें लगता है कि यही मंदी की दस्तक का समय होता है। अब अगर ग्रीनस्पैन की थ्योरी को पैरामीटर मान ले तो भारत के लिए ये किस तरह की सूरत दिखाता है, इस पर नजर डालते हैं। इसके लिए कुछ अंडरवेयर ब्रांड्स को लेना होगा। जॉकी इसके लिए एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। देश भर में जॉकी के 1 लाख से ज्यादा आउटलेट हैं। ये आउटलेट 2500 से ज्यादा शहरों में फैले हैं। इन अंडरवेयर्स को बनाने और बेचने का लाइसेंस पेज इंडस्ट्री के पास है। पिछले साल के मुकाबले जनवरी से मार्च 2022 के दौरान पेज इंडस्ट्री की बिक्री 26% बढ़ी है। यहाँ आपको बता दें, कॉटन की कीमतें बढ़ने के कारण उन्हें अंडरवेयर के दाम भी बढ़ाने पड़े थे। अब बात करते हैं दूसरे इंडिकेटर यानी टी शर्ट की। इसके लिए वी मार्ट को लेते हैं। कंपनी के रेवेन्यू में 30% की बढ़ोतरी हुई। कंपनी वित्तीय वर्ष 2022-23 में अपने स्टोर्स की संख्या में भी इजाफा करने के बारे में सोच रही है। अभी इसके 380 स्टोर हैं, इसमें और 60 स्टोर जोड़े जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत के लिए इन आंकड़ों के मायने हैं? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हाल ही में संसद में कहा था कि भारत में मंदी का सवाल ही नहीं उठता। महंगाई पर चर्चा के दौरान उन्होंने ये बात कही थी। इस दौरान उन्होंने अमेरिका का भी जिक्र किया। सीतारमन बोली थी कि देखना होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। कोरोना के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि दुनिया ने ऐसी महामारी का सामना पहले कभी नहीं किया। इससे बाहर आने के लिए हर कोई अपने स्तर पर काम कर रहा है। उनसे पहले आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी कहा था कि भारत मजबूत स्थिति में है। रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने का अच्छा काम किया है, यानी भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा है। देश में श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे हालात नहीं बनेंगे। बेशक भारत पर विदेशी कर्ज है, लेकिन अन्य देशों के मुकाबले वे काफी कम है। महंगाई का दबाव इस वक्त पूरी दुनिया में है। सबसे ज्यादा महंगाई खाद्य पदार्थों और ईंधन में है। रिजर्व बैंक लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहा है, इससे आने वाले वक्त में महंगाई जरूर कम होगी। ये रघुराम राजन द्वारा कही गई बातें हैं। अब अगर अंडरवेयर और टी शर्ट को भी संकेत मान लें तो भारत फिलहाल तो मंदी की जकड़ में नहीं गिरने जा रहा। ये भी सच है कि अंडरवेयर और टी शर्ट की बिक्री पर और भी कई बातों के असर पड़ सकते हैं। ऐसे में इसे अर्थव्यवस्था में मंदी के ठोस संकेत के तौर पर नहीं देखा जा सकता, खासकर भारत जैसे देश में तो बिल्कुल भी नहीं। भारत की बहुत सी आबादी ऐसे तबके से नहीं आती है जो जॉकी के अंडरवेयर जैसे ब्रांड्स को खरीदती हो, उन्हें इस्तेमाल करती हो। अगर नजर रखनी ही है तो ऐसे खाद्य पदार्थों पर रखी जाए जो बहुत कम कीमत पर उपलब्ध है और उनकी बिक्री गिरती दिख रही हो। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।